काश्मीरात पुलवामा अवंतीपुरात केंद्रीय राखीव पोलीस दळांच्या बसींचेर झालेल्या हल्ल्यात 44 जवान शहीद झाले. आकांतवाद्यांचे भिजूड करण्याचा खर निषेध करून अखिल गोय माजी सैनिक कल्याण संघटनेन पणजेत हुतात्मा स्मारकाचेर वचून तांकां आर्गां ओपली. ह्या वेळार उलयतना ह्या आदल्या सैनिकांनी इंटेलिजन्सचे कसलेच अपेस ना, पूण थळावे लोक हातून घुसपल्ल्यान ह्यो अश्यो गजाली घडटात असे सांगले. हातल्या कांय आदल्या सैनिकांच्यो प्रतिक्रिया आमी हांगा दितात. रेकी पार्टी जा चुकी थी, रेकी हो चुकी थी, क्लीयरेंस मिल चुका था, मगर जिस तरह से आप हमने भी पहले टीवी देखा है, 8 दिन पहले जी टीवी ने बताया था 5 फरवरी 9 फरवरी 15 फरवरी को फिदायीन अटैक होने वाला है, ये इनपुट आया था. इसके ऊपर सरकार ने पूरा नियंत्रण रखा था, मगर प्रॉब्लम यहाँ होता है कि लोकल्स, वहाँ के लोकल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. अभी इतना लोग वहाँ पर आए, अमनिशन की गाड़ी वहाँ पर आई, ये लोकल को मालूम था और लोकल ने सपोर्ट नहीं करने के वजह से ये हादसा हुआ है. आपको याद दिलाता हूँ मैं, पंजाब का हादसा, पंजाब का प्रॉब्लम था, इतना पंजाब का प्रॉब्लम हुआ था कि ये हो रहा था कि पंजाब हाथ से निकल जाएगा, मगर पंजाब के लोगों ने एकजुट कर एक साथ कर पूरा डिफेंस को, पूरा आर्मी को और उनके पुलिसों को, आजी साहब का वहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, पंजाब में जो था तो उन्होंने सपोर्ट किया, पंजाब में टेररिज्म ख़त्म हुआ. मगर कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारे लोकल्स जो है वो, क्योंकि कश्मीर में 12 साल मैंने सर्विस किया, आउट ऑफ 32 ईयर्स में मैं 12 साल कश्मीर में रहा हूँ, पूरा पहाड़ों में. वहाँ पर लोकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले से ही है, जो उनको फैसिलिटी दी है 370 के कॉलम लगा, 355 ये का ये जो लगाया, इसके वजह से वो पूरा आज़ादी मांग रहा है, आज़ादी का ये मतलब नहीं. और ये लोकल के वजह से हुआ, आप जैसे बोल रहे हैं कार्रवाई का पूरा ये हुआ था, पूरा रेकी पार्टी आगे गई थी, सब कुछ उन्होंने लोकल ने पहले प्लान किया था. 4-5 गाड़ियां हमारी जा चुके, 39 गाड़ियां थी बस, और 39 बस में से काफ़ी गाड़ियां क्रॉस हो चुकी थी, तो उनका यही प्लान था कि बीच वाली जो गाड़ी है उसमें आकर गाड़ी बीच में घुसाड़ना, सेंटर में आधे कानवा वहाँ आधे कानवा पीछे. तो इसलिए कोई ऐसा मेजर नहीं कि सिक्योरिटी नहीं लिया, पूरा है. अभी इतना ही था कि जैसे पहले वहाँ पर आदेश है आर्मी की कानवा जाती तो सिविल कानवा बंद किया जाते, ये ऑर्डर नहीं था, वो अभी गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर शुरू करवा दिया. अभी CRPF की भी, पैरामिलिट्री फोर्स की भी कानवा जाएगी तो सिविलियन की गाड़ियाँ बंद किया जाएगा, तो उसका ये फायदा उठाया उन लोगों ने. इट इज़ अ टाइम टू सपोर्ट देम, उनको श्रद्धांजलि दें, उनके परिवार, माता पिता, बहन भाई, बच्चे जिनके हैं उनको सपोर्ट करें, हमारे सरकार को सपोर्ट करें, हमारे प्रधानमंत्री को सपोर्ट करें. और हम एज अ सिविलियन हम इतना ही कर सकते हैं कि हम अपना शो सॉलिडैरिटी विद द गवर्नमेंट, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा सरकार ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि जिन्होंने ये कांड किया, चाहे वो कोई देश हो चाहे कोई ग्रुप हो, उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा. ये इमीडिएटली नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा. एंड प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि आर्म फोर्सेस को पूरी आज़ादी दी गई, दे आर फ्री टू रिस्पॉन्ड एज द टाइम प्लेस ऑफ देयर चूजिंग, एंड वी आर श्योर, वी हैव सीन कपल ऑफ ईयर्स बैक हाउ वी रिस्पॉन्डेड, एंड दिस टाइम वी होप दैट द रिस्पॉन्स विल बी मच स्ट्रॉन्गर, बोथ मिलिट्रली एज वेल एज इकोनॉमिकली डिप्लोमेटिकली, सो दैट दिस रोग नेशन थिंक्स ट्वाइस before doing anything against our country. So we all have gathered here today to pay our homage to our jawans
who sacrificed their life for the sake of the nation. And we are here to support them. We are here to pay our Shraddhanjali to them. जब तक लोकल का सपोर्ट नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, पहले ये याद रखना चाहिए, ठीक है? भले कितना भी सरकार भी कुछ भी करे या डिफेंस फोर्सेस कुछ भी करे, उससे नहीं होता, ये लोकल सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ होता है। और इसमें कुछ मुझे शक नहीं है कि लोकल जो वहाँ की पब्लिक है उनका बिल्कुल हाथ है इसमें, कोई उसमें शक नहीं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि कन्वॉय वगैरह जब जाता है तो सब कुछ जितनी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती हैं वो सब फॉलो होती हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे पीछे बीच में कन्वॉय का मतलब अराउंड 78 बसेस थे वो, ठीक है, टोटल, और 2,000-2,500 से ज़्यादा CRPF के जवान थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हर एक बस के पीछे आपका सिक्योरिटी ये रहेगा, वो खुद सिक्योरिटी दे नो इट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, आपने देखा होगा जो ओवरटेकिंग वगैरह कर लेते हैं, आपने देखा होगा, तो उतना कोई उतना ध्यान नहीं देता कि क्या हो गया, और उनका मकसद ही वही था तो उसमें वो कामयाब हो गए एक्चुअली, तो अभी उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी प्रिकॉशन तो सभी ले लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? प्रिकॉशन हर तरफ से हर जगह से लिया जाता है। और आपको मैं अभी ये बता दूँ कि अभी जो सरकार ने जो स्टेप्स अभी लेने शुरू कर दिए हैं, आपको थोड़े दिन में वो दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं कि आज अटैक हो गया दूसरे दिन पाकिस्तान में अटैक कर दिया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए दो वी आर प्रिपेयर्ड, लेकिन जो क्या बोलते हैं ना, सही समय और सही जगह की वक्त उसके लिए देखा जाता है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये बता देना चाहूँगा कि जैसे ऑल गोवा एक सर्विसमैन यहाँ पे आज है, और आज भी अगर हमको किसी कैप्टन हमारे शेटकर साहब सबसे 80 साल के हैं, तो मैं आज भी वो भी जाने के लिए तैयार है अगर बुलाए तो, ये आपको मैं गारंटी दे देता हूँ। प्राइमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार, पणजी।